प्रदेश जनपद संभल के चंदौसी में न्यायालय के आदेशों पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनी कल्पवट रियल स्टेट के खिलाफ अलग अलग 22 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हम आपको बता दें कि कल्पवट नाम की रियल स्टेट चिट फंड कंपनी ने जनपद में आज लोगों को लुभाने का लालच दिया। उसके बाद कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और लगभग संभल जिले में ही 60 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा करके चंपत हो गई। हम आपको बता दें कि यह फर्जी कंपनी माथुर जिले से संचालित की जाती थी, जिसको गुज्जो देवी व भानु प्रताप नाम के दोनों ठग चलाते थे। यह कंपनी मुरादाबाद, अमरोहा, बदायूं, संभल समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम जनता को सालों से पैसे डबल करने के लिए इन्वेस्ट करवा रही थी, पर अब तो कंपनी पूरी तरह से भाग चुकी है। अगर बात की जाए आसपास के जिलों की तो यह फर्जीवाड़ा लगभग 500 करोड़ से भी अधिक का है। वहीं संभल जिले में इस कंपनी ने लगभग 60 करोड़ रुपए का आम जनता को चूना लगाया है। फिलहाल इस फर्जी कंपनी के खिलाफ अलग अलग एजेंटों ने न्यायालय के आदेश पर 22 मुकदमे दर्ज करवाए हैं, जिसमें कंपनी पर करोड़ों रुपए डकारने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले में कार्यवाही की बात कर रही है। अभी मिले तो है सब जने, यहाँ पे बातचीत भी हुई उनसे, पहले बातचीत हुई, क्या बताएंगे हम आपके लिए, उसके बाद में जो है अभी तक कोई आगे के लिए सुनवाई अभी आगे नहीं हो पाई है। अभी कह रहे थे अब अपनी सिगरी फाइलें इकट्ठी करो, सब वो हो जाने दो FIR। अभी क्या मामला है? मामला ये था सर, मेरे पिताजी को कुछ परिचित लोगों ने एजेंट के रूप में मतलब नियुक्त कर दिया, बोले आप इस कंपनी में काम करिए। तो उन्होंने काम करा अपना, अपने रिश्तेदारों का कल्वर्ट रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहजुई रोड पर उन्होंने अपना कार्यालय स्थापित करा और काफ़ी समय तक 10-11-12 वर्ष तक उन्होंने ये चलाया और उस समय मैच्योरिटियाँ दी, पेमेंट भी करा। लेकिन अब आकर उन्होंने ऑफिस में तालाबंदी कर दी और वो सारे लोग चले गए यहाँ से। फिर हमें ज्ञात हुआ, हम लोगों ने कहा, 2-4 बार हमारी बात भी हुई, हमें आश्वासन मिलता रहा, अभी तक आश्वासन दे रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं, बोले हम आपको पेमेंट देंगे, लेकिन अभी तक सर कोई भी वो नहीं है, पब्लिक हमें परेशान कर रही है। कितना रुपया होगा इस संभल जिले का, कितना रुपया ये कंपनी लेकर भागी है? सर संभल जिले का लगभग कम से कम कुछ नहीं 50-60 करोड़ से ऊपर ही होगा, क्योंकि मेरे पिताजी के द्वारा 1.5 करोड़ रुपया है। आपके पिताजी के द्वारा 1.5 करोड़? हाँ, वो हाँ, उनके द्वारा, उनके परिचित लोगों का 1.5। तो ये कंपनी कौन कौन से जिलों में चलती थी? सर मुरादाबाद में इसका ऑफिस था, चंदौसी, संभल, बदायूं और भी काफ़ी जगह, मथुरा, जो हेड ऑफिस जो इसका था वो मथुरा था, और इसके जो डायरेक्टर थे वो भानु प्रताप और उनकी पत्नी गुड्डो देवी और उनके बेटे वगैरह, ये सारे लोग इसमें लिप्त हैं और वो अपना बाहर रह रहे हैं, मथुरा में नहीं है। मैं भी गया था वहाँ पर देखने, लेकिन कोई भी लिप्त नहीं है, लेकिन मिल नहीं रहे और हम बड़ा परेशान है, पब्लिक हमें परेशान कर रही है, धमकियां दे रही है सब तरह की, हम बड़ा परेशान है। हमने कार्रवाई करी कोर्ट में, मुकदमे अलग अलग एजेंटों और पब्लिक के द्वारा इस कंपनी पे कितने मुकदमे दर्ज कराए? कोर्ट के माध्यम से लगभग 21-22 मुकदमे इसमें दर्ज करा दिए हैं अब तक, और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जो वकील के द्वारा, हमारे जो हैं वकील साहब, उनके द्वारा प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और मुकदमे चंदौसी कोतवाली से आने का ध्येय ये था। हमने यहाँ से FIR की अपनी नकलें निकलवाईं और जो इंचार्ज हैं हमारे, जिन पर हमारा जो केस आदेश हुआ है, हमने सर से उनसे जानकारी लेने के क्या कार्रवाई उचित हो रही है इस मामले में, हम यहाँ पर आए थे सर सारे लोग। धन्यवाद सर, नमस्ते। कल्पवट रियल एस्टेट का एक मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? ये कुछ लोग थाने में आए और उन्होंने आरोप लगाया कल्पवट नाम की ये संस्था है, इसमें चंदौसी के काफ़ी लोगों ने अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि कल्पवट के उनके अधिकारियों कर्मचारियों ने लोग लुभावने वादा करके गरीबों से पैसा वसूल करके ले गई कि इनको दुगना किया जाएगा, लेकिन आज तक वो पैसा इनका वापस नहीं किया गया है, जिससे ये त्रस्त होकर के इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और मुकदमा पाने में मुकदमा भी कराया है। अब इस पर मुकदमा कायम करके इस पर विधि कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।